तो हम हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्क के अंदर। एटमॉस्फेयर जो देखने को मिल रहा है, नज़ारे जो देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली के किसी पार्क में नहीं देखने को मिलेंगे। पार्क ही ऐसा यार, बहुत खूबसूरत है। पर ये ट्रैक बड़ा अच्छा लग रहा है अभी। पार्क में मिलेगा ये? पार्क में मिलता है तो बड़ा पेड़। पार्क तो हमने बहुत देखे लेकिन इतना बढ़िया पार्क दिखा नहीं, फ्री में नजारे दिखे नहीं। फ्री फ्री फ्री, दिल्ली के सबसे सुंदर पार्क के नजारे बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ये इसका मेन गेट, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसका सीन। घुसते ही तो यहाँ पर सबसे पहले पार्किंग देखने को मिल रही है। इधर फ्री पार्किंग अवेलेबल है और लेफ्ट साइड पे दिख रहा है फाउंटेन तगड़ा करके, जो इसकी जान कहा जाता है फाउंटेन इसका। और उसके पास चलो, पानी में से खुशबू आ रही है हरियाली की, आई थिंक उसे बोलते काई की। यहाँ पर बंदा आकर अगर बैठ गया ना एक बार थोड़ी देर के लिए, मजे आ जाएगा ना। अच्छा लगता है यार, फ्री में मिल रही है चीजें, पानी, फाउंटेन, फ्लावर, ग्रीनरी। और वहाँ पर देख सीट कितनी बढ़िया थी। हाँ पर हाँ, यहाँ से देखने में तो सीट ही लग रही है वो, और पास जाकर देखेंगे वो है क्या सच में। अरे मजा आ जाएगा गुरु, आओ। यहाँ सिक्योरिटी भी अपनी बढ़िया, तो सिक्योरिटी की तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो पार्क है ना, ये है बहुत सारी एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, वहीं पर बीच में है, तो यहाँ पर एम्बेसी के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। जो इस पार्क के सबसे ज्यादा करीबी एम्बेसीज है वो है एक तो सूडान की, सूडान, जर्मनी, नीदरलैंड। हाँ जी, आ गया स्वाद। स्वाद आ गया। और रात को यहाँ पर लेटेंगे ऊपर तारे। अब उनकी एक चाय का दुकान खोलेगा, बिस्कुट, लेमन, सोडा। आसमान में ओए होए ठंडी हवा, रात को 9 बजे तक बंद होता है, बराबर में फाउंटेन चल रहा है, हवा ठंडी ठंडी आ रही है पेड़ों की वजह से, ऊपर तारे, चंद्रमा भी आ जाएगा रात को। तो रात को 8-9 बजे तक आराम से लेट सकते हो, आराम से नजारे ले सकते हो, बढ़िया एकदम। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी सारे पार्क हैं, लेकिन इस तरह के बेंच का जो अरेंजमेंट है ऐसा कहीं भी नहीं है दिल्ली में। पीछे की तरफ जो ये नज़ारा है बेंच के पीछे, तो ऐसा लग रहा है ऐसा कोई जंगल स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐसा लग रहा है यहाँ के बाद जंगल स्टार्ट है कोई। वो बैठे अपने रुको भाई, व्यू देखते हुए, सामने क्या है ये, आई थिंक सामने यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। सामने जगह देखते हैं क्या पॉइंट है वाला, कौन सा वाला? जी सामने ये पॉइंट है, सेल्फीज ले लो और इंस्टाग्रामर और कोई भी इन्फ्लुएंसर है अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बना लो, वीडियो शूट कर लो, कपल आके अपना फोटो शूट करवा लो। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, एकदम सही जवाब। ये बिल्कुल गोल्फ का जो ग्राउंड रहता है उसकी तरह है इसका लुक है, जो फाउंटेन, फाउंटेन के इर्द गिर्द नाला, काई वाला पानी, कमल का फूल, झरने की वो आ रही है, देख कमल कमल। यहाँ पर गोलगप्पे का पानी बता दूंगा भाई, क्या है गोलगप्पे का पानी है नहीं, देख लो यहाँ पर आप तरंग के प्यादे भी मिलेंगे ये रे। तो आपके भी शतरंग के प्यादे हैं। अपने आप कितने, ओह माय गॉड, देख कैसे अपने बच्चे के पास आया, देखियो अम्मी जान कहाँ करती है, एक साथ रहो। बालक नन्हे मम्मी के पीछे पीछे भग लिया ऐसे ऐसे। यहाँ पर ये जो खूबसूरत घास देख रहे हो ना आप, इतनी अच्छी तरह से कटिंग की गई है इस घास की, क्योंकि ये घास मशीन से कट के आई, नकली घास है, ये फैक्ट्री में कट कर दी थी, फैक्ट्री से कट टू कट होके आई है ये रही आपकी नकली घास। ये गड़बड़े बाबा, देखो मछली भी है यहाँ पर, सारा जो है ना आपको जो दिख रही है सब मछलियाँ है अंदर, क्योंकि मछली होते गोलगप्पे के पानी की शौकीन। ये भी बात है, लेकिन मछली को मछली क्यों कहते हैं, उनमें मछला भी तो होता है। बिल्कुल सच, पार्क तो हमने बहुत देखे, बतेरे देखे पार्क तो हमने दिल्ली में, लेकिन इतना बढ़िया पार्क और फ्री में दिखा नहीं, फ्री में नजारे दिखे नहीं। वैसे तो दिल्ली के हर पार्क में आपको जिम देखने के लिए मिलता है, इस तरह से देखते हैं जिम में क्या स्पेशल है, नई चीज देखने को मिली है, क्या है बताइए। इस प्रकार के कुत्ते भी नजर आते हैं यहाँ पर,
साइज तो दिखा इसका, ये है चिटबली, ये मारने गया उसे आदम खोर को। उठ हवा में, अब नीचे जा, अब उठ, अब पैर सामने करे अपने। तो हमने एंट्री ली थी वहां से और हम लेफ्ट चले गए थे, पार्क के राइट साइड जाके देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और भी है या नहीं। ये वाले जो पेड़ है इनको काफी अच्छे से अलाइन करा गया है यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे इस पार्क की खूबसूरती इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस जगह की और इस तरह की अनेक जगह की देखरेख करती है इंडियन से। पक्का नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना, पर ये ट्रैक बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ट्रैक यहाँ पे अधिकतर पूरे पार्क में फैला हुआ है जॉगिंग के लिए, जो है ट्रैक अधिकतर पार्क में, पूरे पार्क में नहीं फैला होता लेकिन यहाँ पे पूरे पार्क में फैला है। राइट साइड में तो भैया खत्म हो गया, गेट आ गया है, बाहर का रास्ता आ गया, अब लेफ्ट साइड जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जो क्राउड आता है ना वो देखने से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर काफी एजुकेटेड क्राउड दिखेगा आपको और यहाँ पर फॉरेनर्स भी काफी आते हैं। ये नेहरू जंगल है, यहाँ जाने अलाउ नहीं है। यहाँ पर की ना भूत भूत की बहुत सारी कहानियां हैं, अपने आप कुछ भी कुछ चिकपाला करे जा रहा है इस वाले पार्क में। ये तो जंगल है बराबर में, यहाँ पर पूरी तरह से बंद करा हुआ है देखो इसको, ये इसलिए ताकि चुड़ैल इधर ना आए। बात तो सही है, माना जाता है कि नेहरू जी के देहांत के बाद। ओए पहली बात सुन ले, इसे तेरे को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत देर से बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तो यहाँ से चलते हुए अब दिखाए यहाँ पर थोड़ा सा पार्क खुलता हुआ, यहाँ पानी पीने की जगह भी है बढ़िया। है पानी है पानी यार है। ऐसी बात कर दी तुमने, इतना पैसा लगाया है। और सबसे बड़ी खासियत, जैसे इजराइली के पार्कों में बहुत जगह देखने को मिलता है गुटखा वगैरह थूक देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल साफ है, मिट्टी है बस। यहाँ पे तुम्हें अगर दिल्ली के किसी भी पार्क में दिख जाए ना ऐसे पानी पीने का सिस्टम, देखिए यार मैंने तो भाई आखिरी बार एयरपोर्ट पे देखा था, मैंने तो साइंस म्यूजियम में देखा था। तो ऐसी जगह मिलता है, यहाँ की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, हमने आपको दिखाया था वहाँ प्यादे बैठे हुए थे ड्यूटी पर। हाँ। उसी का नतीजा है अभी तक, ये जो यहाँ से चुरे नहीं है अभी तक। अगर कुछ लोगों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है किस तरह के लोग आते हैं। हमने तो भाई नंदन नगरी का पार्क देखे, हम आते हैं कुछ नहीं है। अबे हिटलर का आया निशाने वाला, कुछ भी देख कैक्टस पे भाई, ये तो आदमखोर बना रखा है गुरु भाई, इतने बड़े कैक्टस भी नहीं देखे। जो बंदा गिर जाए, चट्टानों के पास पहुंच गए हम, जमीन खोद रखी है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हमारे घर के पास जो पार्क होते वहां क्यों नहीं होती है सारी चीजें, क्योंकि वो हमारे घर के पास पार्क है ना। इन्हें चट्टाने वाली, ये पार्क में मिलेगा, ये पार्क में मिलता है, कौन से पार्क में मिलता है दिल्ली के। ऐसी ऐसी चीज है भैया यहाँ पे, कभी तुम हल्के में ले रहे हो। तो लेफ्ट साइड में घूमते हुए क्या देखने के लिए मिला, इतना बड़ा पेड़ भाई बहुत बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ नहीं होगा भाई, मतलब चौड़ाई में, ऊंचाई में तो कम है। अरे लेकिन हैवी लग रहा, लगी यहाँ पे फूलों के लिए एक पूरा डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है जो हम दिन में शूट नहीं कर पाए हैं, और रात में इस तरह से नज़ारे देखने को उतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो दिन में आओ थोड़े से रोशनी में आओ मतलब, तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इतने सारे फूल लगा रखे हैं, तरह तरह की किस्म के फूल लगा रखे हैं और सब यहाँ पे मतलब जिंदा है, इनको तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल बरकरार है। मतलब यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं, जिस वजह से ये बिना सिक्योरिटी के छोड़ रखे हैं और कोई कोई रोक टोक नहीं है, इनके करीब जा सकते हैं हम यहाँ पे। ओ सबसे सुंदर पार्क है दिल्ली का।